हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेख बादनी और जो टॉपिक मैं आपके सामने ले आया हूँ आपके लिए आज, वो सैनिनम्स का टॉपिक है। सैनिनम्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये वोकेबलरी पावर से रिलेटेड है, वोकेबलरी बिल्डिंग से रिलेटेड है, ऐसे राइटिंग, प्रेसे राइटिंग या फिर बोलने का कोई भी स्पीच हो, टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, ये पूरे जुबान के बोल चाल, जुमले बनाने, पैराग्राफ में उन्हें बदलने और फिर उन्हें ऐसे उनसे ऐसे बनाना और फिर किताब बनाना, ये पूरा बुक लिखना से रिलेटेड है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अल्फाजों का टॉपिक है। सो सैनोनिम हमारे पास क्या है? सैनोनिम हमारे पास, इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले इसे देखते हैं। एक ऐसा वर्ड जो कि सिमिलर हो, बिल्कुल एक जैसा हो, यानी कि उस वर्ड जैसा हो जो वर्ड आपके पास पहले से है। कोई भी वर्ड आपने निकाला है, आपके सामने है, आपने विजुलाइज किया है, सपोज किया है, और बिल्कुल उस वर्ड के जैसा मीनिंग देने वाला कोई और अगर दूसरा वर्ड है, तो ये दोनों वर्ड्स आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, तो इसके जो प्रोनंसिएशन है वो सिनोनिम है, सिनोनियम नहीं है। प्रोनंसिएशन के ऊपर भी फोकस आपको रखना है। और उसके बाद हम ये देखते हैं क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में तमाम वर्ड्स और विकैबलरी पार्ट ऑफ स्पीच पर मुश्तमिल होती है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है या तो वो नाउन हो सकते हैं, या वर्ड्स वर्ब हो सकती हैं, एडवर्ब हो सकती हैं, और ये एडजेक्टिव्स हो सकती हैं। इनके अलावा भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच तो होती हैं, लेकिन वो तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास वोकैबुलरी के सेक्शन में नहीं आती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपके पास है कैटेगरी में मैंने लिखा है नाउन। ये नाउन जो हमारे पास होती है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इस पर हमने पूरी वीडियो हमने बनाई हुई है और वो हमारे यूट्यूब में ऑलरेडी प्रेजेंट है तमाम पार्ट्स के साथ, आप डिटेल में से पढ़ सकते हैं। नाउन्स के सिनोनिम होते हैं या नहीं होते, सवाल ये है, या अगर होते हैं तो कितने पर्संस होते हैं, ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। नाउन हमारे पास क्योंकि नेम है, तो नेम में हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, किसी चीज का नाम लिख सकते हैं, या फिर हम किसी स्टेट का नाम लिख सकते हैं, या गवर्नमेंट हम जैसे लिख सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हमारे पास इनके सिनोनिम्स कम ही होते हैं, ठीक है, ना होने के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम होते हैं। अब कोई ऐसा वर्ड और बहुत कम ही हो सकता है डिक्शनरी में हो जो कि एक दूसरे वर्ड जैसा बिल्कुल सिमिलर मतलब दे, क्योंकि अगर वो सिमिलर मतलब देंगे तो फिर दो बनाने की क्या जरूरत थी, यानी कि एक वर्ड ही काफी होता, राइट। इसलिए नाउंस के जरा सिनोनिम्स कम होते हैं। लोग हैं, देते हैं नाउंस के सिनोनिम, डिक्शनरीज में भी नाउंस के सिनोनिम्स मौजूद है, लेकिन वो करीब नहीं होते, वो बहुत मीनिंग में एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का जो सिनोनिम लिखा जाता है अक्सर, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेट करने वाला, संभालने वाला, राइट। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी होता है, स्कूल लेवल पर भी होता है, और ये गवर्नमेंट लेवल पर भी किसी डिपार्टमेंट में, फील्ड में हो सकता है। तो गवर्नमेंट एक बड़ा वर्ड है जो टोटल ऑल एक पूरे स्टेट और रूल और पॉलिटिशियंस पर बेस्ड, एक गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर बेस्ड एक पूरे स्टेट का नाम है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन एक लोअर लेवल पर भी यूज़ हो सकता है, गवर्नमेंट जो कि आप एक लोअर लेवल पर यूज़ नहीं कर सकते। तो इन दोनों में कहने का मकसद है कि बड़ा फ़र्क है, बड़ा एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ही आपको देखना है। तो नाउंस के सिनोनिम हमें आसानी से नहीं मिलते, या अगर मिले भी तो उनके दरमियान में डिस्टेंस, या जो डिस्टेंस ऑफ मीनिंग, डिफरेंस ऑफ मीनिंग जो होता है वो बड़ा वसी होता है या ज़्यादा होता है। जैसे चेयर का अगर कोई सिनोनिम पूछा जाए तो चेयर का क्या सिनोनिम हो सकता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट कहेंगे। सीट और चेयर में आपको पता है कि बड़ा एक वाज़े डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ऐसा डिफरेंस है कि उससे हम इनकार भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा नाउन के सिनोनिम कम ही मिलते हैं, सबसे कम। दूसरे नंबर पर आते हैं एडवर्ब्स, वो जो एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब के मायने में इजाफा करते हैं उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। इस पर भी हमारे पूरे लेक्चर्स मौजूद है, पूरा एक प्लेलिस्ट हमारा यूट्यूब पे मौजूद है एडवर्ब्स रिलेटेड। डिटेल में हमने तमाम एडवर्ब के टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम सिर्फ बताएंगे कि एडवर्ब्स के सिनोनिम्स होते हैं या नहीं। सपोज हमारे पास एक एडवर्ब है जो कि है कंटिन्यूअसली, मुसलसल, कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली का एक सिनोनिम हम लिख सकते हैं जो कि हमारे पास है परसिस्टेंटली, और इसके अलावा कॉन्स्टेंट और कंसिस्टेंटली भी लिखा जा सकता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हमें मिल जाती हैं जिनके सिनोनिम्स बड़े जबरदस्त हमें मिल जाते हैं, और वो बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली, कंस्टेंटली या कंसिस्टेंटली। ये हमारे पास सिनोनिम्स है तमाम कंटिन्यूअस के। तो कंटिन्यूअसली के यहाँ से ये पता चलता है हमें कि एडवर्ब्स के जरा में सिनोनिम्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन एडवर्ब्स भी हमारे पास फिर नाउंस के बाद दूसरे कैटेगरी में आते हैं जिनके थोड़े बहुत सिनोनिम्स हमें मिल जाते हैं। अब इस वर्ड का चलो सिनोनिम हमें मिला, लेकिन ये इतने क्लोजर मीनिंग नहीं दे रहे। अगर आप परसिस्टेंटली के मतलब में जाएंगे डिटेल में, तो ये बड़ा वाज़े डिफरेंस इनके दरमियान में होगा, और ज़्यादा डिफरेंस होगा, नाउंस के मुकाबले में कम होगा, लेकिन एडवर्ब्स के लेवल पर भी डिफरेंस है, और डिफरेंस वाज़े डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद थर्ड लेवल पे हमारे पास आती है वर्ब्स। तो वर्ब्स में अगर हम देखें तो वर्ब्स में भी बिल्कुल एक सिनोनिम्स हमारे पास है, जैसे कि एक वर्ड है सिंपल सा, हेट, नफरत करना,
और इसका जो सेनेनम हम लिखेंगे वो है एबोर डिस्पाइस, और एक और सेनेनम है डिटेस्ट। जब हम इन सेनेनम्स की बात करते हैं तो वर्ब्स के केस में ज़रा ये हमें सेनेनम्स आसानी से मिल जाते हैं, और जिनके मतलब एडवर्ब्स के मुकाबले में थोड़े क्लोज होते हैं, यानी कि एडवर्ब से ज़्यादा क्लोजली हमें सेनेनम वर्ब्स के मिल जाते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, जहाँ भी आपको रिटन कुछ मिलता है, या स्पीकिंग में आप जहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, आप देखें कि वर्ब के सिनोनिम्स ज़्यादा ही मिलते हैं आपको एडवर्ब और नाउंस के बमुकाबले में। सबसे कम नाउन, फिर हमारे पास दूसरे नंबर पर एडवर्ब, और तीसरे नंबर पर जो हम वर्ब डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फोर्थ पे आपको एडजेक्टिव्स के सिनोनिम मिलते हैं, जो इन सब से कंपैरेटिवली ज़्यादा सिनोनिम आसानी से हमें मिलते हैं और क्लोज सिनोनिम्स होते हैं। जैसे कि एक वर्ड हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल है, तो ब्यूटिफुल का हम चलो गॉर्जियस लिख देते हैं, और गॉर्जियस के अलावा हमारे पास प्रीटी वर्ड भी यहाँ पे आ सकता है। प्रीटी यहाँ पे भी डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस उनके मुकाबले में कम है। गॉर्जियस का मतलब है वेरी ब्यूटीफुल, और प्रीटी वंस अगेन ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बट फॉर किड्स, लेकिन कन्फर्म्ड, यानी कि टू द पॉइंट आप नहीं कह सकते सिंपली डायरेक्टली कि ये सिर्फ किड्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन एक है डिफरेंस, वाजे डिफरेंस है। इसी तरह दूसरा एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इम्पोर्टेंट का। इम्पोर्टेंट हमारे पास एक वर्ड है, तो इम्पोर्टेंट का, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ग्रामेटिकली आप इसका एक सिनोनिम लिख सकते हैं जो कि एसेंशियल है, और इसके अलावा एक क्लोजर और सिनोनिम है जो कि नेसेसरी है। तो ये तीन सिनोनिम्स, ये जो दो सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट के हमने लिखे, ये बहुत ही क्लोजर मतलब देते हैं इंपॉर्टेंट के। इसके अलावा वाइटल, पिवोटल, इंडिस्पेंसिबल, सेमिनल, ये भी सिनोनिम्स है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगाएं कि एडजेक्टिव्स के सिनोनिम बड़े अच्छे हमें मिलते हैं और क्लोजर मीनिंग भी देते हैं। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि मैंने आपके लिए पूरा एक लिस्ट बनाया हुआ है कि सबसे कम सिनोनिम आपको नाउन के मिलते हैं और सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव्स के मिलते हैं। एडजेक्टिव की प्रोनंसिएशन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स पर भी हमने बहुत सारे हमारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं जो कि हमारे पास यूट्यूब पर मौजूद है, आप उन्हें देख सकते हैं, पूरी गाइडलाइन है एडजेक्टिव्स क्या है उनके टाइप्स पर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कंक्लूड कुछ बातें करनी है, जिनमें से नंबर वन आपके पास ये है कि कभी भी किसी सिनोनिम को आप जब लिखते हैं तो आप ये ना सोचे कि ये एग्जैक्टली उस वर्ड जैसा मतलब दे रहा है जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि सिनोनिम्स कभी भी एक जैसे मतलब नहीं देते। इंग्लिश में कभी भी ऐसे वर्ड्स बनाए नहीं गए, लिखे ही नहीं गए, तस्वुर ही नहीं किए गए हैं जो एक जैसे बिल्कुल 100% मतलब दे, क्योंकि अगर वो मतलब देंगे तो फिर उन्हें ऐड करने की क्या ज़रूरत है, उनकी जगह हम एक ही वर्ड ऐड करते हैं, राइट। सिनोनिम्स का इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ ये है कि कहीं पर अगर आप बोलने में नहीं बस रहे हैं या आपके पास जो स्पेसिफाइड सर्टन वर्ड्स हैं वो आपके मुंह में नहीं आ रहे, आपके बोल में नहीं आ रहे, आप बोल नहीं पा रहे, तो आप इस सिनोनिम्स के इस्तेमाल करके किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हैं या लिख सकते। लेकिन इनका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर कहीं पर भी सिनोनिम इस्तेमाल करें। दूसरा सिनोनिम्स का इंपॉर्टेंस ये है कि आप हमेशा एक वर्ड को बार बार जगहों पे, हर जगह पे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अगर आप 5 बार किसी पैराग्राफ में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ चूंकि खुद ही कोई आपके पास आप कह सकते हैं 15 से ऑनवर्ड जितने भी वर्ड्स हों, ठीक है, उन पर मुश्तमिल होते हैं 10 से ऑनवर्ड, तो उसमें ही आप अगर एक वर्ड इंपॉर्टेंट को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये बोरिंग होगा। तो इसलिए आप वक्तन फवक्तन वर्ड्स को बदलते रहते हैं, सिनोनिम्स के साथ ही आप बदल सकते हैं। तो ये दूसरा हमारे पास सिनोनिम्स का यूजेज हुआ, पहला आपको बता दिया, मजबूरी की तरह कंपल्शन में आप इस्तेमाल करेंगे। और एक और बात जो आपको सिनोनिम्स को लेकर माइंड में रखनी है वो ये है कि कहीं पर भी एग्जाम में जब सिनोनिम्स के एमसीक्यूज दिए जाते हैं तो उसमें आपको सिनोनिम्स अक्सर दिए जाते हैं। हालांकि सिनोनिम एक वास्ट टॉपिक है, ये पेपर या एग्जाम वाला कोई ऐसा टॉपिक नहीं है आपके पास, और देना भी नहीं चाहिए एग्जाम्स में, पर दिया जाता है कंपटीशन की वजह से, या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ ऐसी चीजें दिए जाते हैं। वजह ये कि नहीं देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सिनोनिम वोकैबुलरी से रिलेटेड है, और वोकैबुलरी एक वास्ट टॉपिक है किसी भी लैंग्वेज का, कोई भी इसे मास्टर नहीं कर सकता है, और ये एग्जामिनर पर टोटली डिपेंड करता है कि वो कहाँ से कोई वर्ड उठा के दे दें और उसका सिनोनिम आपसे पूछ ले। कोई लर्नर सारा डिक्शनरी तो याद नहीं किया होता उसने, तो वो हर वर्ड का सिनोनिम ढूंढ के नहीं बता सकता, तो इसलिए ये एग्जाम का देने वाला टॉपिक नहीं है। लेकिन चलो अगर दिया भी जाए तो आपको ये चीज़ जहन में रखना है कि अगर एक वर्ड है जो कि नाउन है, तो आप देखिए जो वर्ड ऊपर नाउन जो दिया गया उसका ग्रामेटिकल पोजीशन अगर नाउन है, तो ऑप्शंस में भी आप पहले नाउन को देखें, क्योंकि नाउन का सिनोनिम नाउन ही हो सकता है बस। इसी तरह वर्ब अगर दिया गया तो वर्ब का सिनोनिम वर्ब में ही होगा ग्रामेटिकली, वो भी वर्ब होना चाहिए, यानी कि चेयर भी वर्ब है, सीट भी वर्ब है, गवर्नमेंट वर्ड वर्ब है,
सॉरी, सीट भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, गवर्नमेंट भी नाउन, एडमिनिस्ट्रेशन भी नाउन. सेम इज द केस एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, सारे एडजेक्टिव्स हैं. इसी तरह यहाँ पे ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, अगर मैंने आपको मतलब दिए हैं. इसी तरह ये तीनों वर्ब हैं, ठीक है, तो इनके सिनोनिम्स ग्रामेटिकली इनकी जैसे ही होना जरूरी है. तो ये हमारे पास सिनोनिम्स का एक टॉपिक था जो मैंने आपको स्लो और उर्दू में आपके लिए बनाया है ताकि आपको क्लियर हो, आपको समझ आए. अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, क्यूरीज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब के वीडियोज के नीचे आप कमेंट में भी बता सकते. आप लोगों का बहुत बहुत